हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ इग्नाइट व्लॉग्स। आप देख ही चुके होंगे लास्ट वीडियो में लैमटन मार्केट हम लोग ने एक्सप्लोर किया, हम लोग ने पीसी पार्ट्स के प्राइस देखे, लोकल रोड मार्केट से हमने उनको एक्सप्लोर किया। तो ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। आई नो ये बहुत सा एक्चुअली वो टेक रिव्यू चैनल्स एंड डिस्क्रिप्शन पीसी बिल्ड्स एंड सच इसके ऐसे लग रहा है, बट हम लोग ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट कवर करने वाले, सो मैंने सोचा कि ये भी कवर कर लेते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द ब्रेकडाउन ऑफ हम लोग ने प्राइसिंग की है उन पार्ट्स की, उनके कोटेशन बिल्स जो हमने लिए है, द लोएस्ट कॉस्ट एंड द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ द सेम पार्ट्स दैट आई गॉट, अलोंग विद दैट प्राइसिंग ऑन द ऑफलाइन मार्केट एंड द प्राइसिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज अमेजोन। तो उनके साथ मैं प्राइसिंग का कंपेरिजन करूँगा यहाँ एंड मैं आपको उनके डिटेल्स बताऊँगा। ओके, सो आम आदमी की भाषा में बोलूँगा तो अगर आप पीसी मतलब एक कंप्यूटर के बारे में बोल रहे हो तो उसमें मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है आपका सीपीयू। वो मेन कंपोनेंट में आपको कुछ वैरायटी के पार्ट्स दें, प्रोसेसर जो मेन होता है दैट इज़ द मेन हार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। जो प्रोसेसर होता है वो होता है दो कंपनी का, वन इज़ इंटेल एंड वन इज़ AMD। आप कोई भी प्रोसेसर लेते हो तो उसका स्पीड जो होता है इट इज़ मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़। जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। प्रोसेसर में होते कोर्स एंड थ्रेड्स, जितने ज़्यादा आपके सिस्टम में कोर्स और थ्रेड्स होंगे उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। प्रोसेसर में भी दो टाइप होते हैं। CPU इज़ आपका नॉर्मल प्रोसेसर होगा जो नॉर्मली आपके टास्क कैरी आउट करेगा। आपको अगर कुछ अच्छे ग्राफिक्स आप 4K में देख रहे हो, आप एडिटिंग कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो तो यू नीड अ ग्राफिक कार्ड। ये GPU जो होते हैं इनमें ये ग्राफिक्स आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज बिल्ड इन योर प्रोसेसर। मेरे पीसी बिल्ड में जो है मतलब पीसी असेंबली जो मैं करना चाह रहा हूँ तो प्रोसेसर आई वॉन्ट तो वो है राइजन 3 3200G, बिल्ट इन ग्राफिक्स के साथ आता है। तो आपका मार्केट कॉस्ट के हिसाब से दिस गोस अराउंड 7000 to 8850। यही प्राइस अबर कॉस्ट के हिसाब से देखोगे ऑन अमेजोन, सो इट कॉस्ट यू अराउंड 9599 to 12499। प्रीवियसली प्रोसेसर दैट आई वॉज सर्चिंग वॉज राइजन 5 2600G, तो मार्केट कॉस्ट में आप देखने जाओगे इट कॉस्ट अराउंड 11,000, बट ऑन ऑनलाइन कॉस्ट वेन यू गो ऑन अमेजोन इट कॉस्ट यू अराउंड 17,000, सो दैट्स अ बिग प्राइस डिफरेंस। अभी ये तो हो गया आपका प्रोसेसर का, अभी नेक्स्ट थिंग इज मदरबोर्ड। बोर्ड में आपके मेमोरी डिवाइसेस लगते हैं, प्रोसेसर होता है, पावर सप्लाई, योर DVD ड्राइव एंड एवरीथिंग प्रोसेस सबको चैनलाइज करता है, सबको कंट्रोल करता है आपका मदरबोर्ड। आई हैव सिलेक्टेड गेमिंग मदरबोर्ड। अभी गेमिंग मदरबोर्ड के एडवांटेजेस क्या है कि नॉर्मल मदरबोर्ड कंपेयर टू गेमिंग मदरबोर्ड, अब गेमिंग मदरबोर्ड आर हाई परफॉर्मेंस, मतलब दे कैन टेक मच लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ यूजेज, दे हैव अ वेरी इफेक्टिव कूल डाउन, उनके अंदर स्लॉट्स ज़्यादा होते हैं। वन आई मेनली सेलेक्ट फॉर दिस इज द असूस प्राइम A320MK मदरबोर्ड। सो इन प्रैक्टिकल मार्केट इट गोज बिटवीन 3500 to 5600 एंड इन ऑनलाइन इन अमेजोन इट कॉस्ट अराउंड 3,559 to 6,979। तो ये है प्राइस रेंज। आई प्रिफर मोर 2 to 3 मदरबोर्ड। सो सिमिलर द सेकेंड रिप्लेसमेंट इज द गीगाबाइट GA A320 S2H। दिस इज द सेम काइंड ऑफ मॉडल बट ऑफ अ डिफरेंट कंपनी। सो द फर्स्ट वॉज असूस एंड द सेकेंड इज गीगाबाइट। सो गीगाबाइट भी अभी मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत चल रहा है एंड इट हैज़ वेरी गुड रिव्यू। ऑन बेसिक मार्केट प्राइस इट कॉस्ट सेम एज द असूस प्राइम, इट इज़ अराउंड 3500 to 5600 एंड इफ यू गो ऑन ऑनलाइन कॉस्ट एज सच एज अमेजोन सो इट कॉस्ट यू अराउंड 4542 up to 5800। सिमिलरली दिस मदरबोर्ड have a limitation as in they have only 2 RAM slots and along with that limited to first second generation processors. We aapko agar supposedly future mein aapko kuch higher version ka processor lena ho to wo aapko atka deta hai ki aap wo zyada high level pe nahi ja sakte ho. So for this I prefer the B450M series motherboard. तो यहाँ भी मैंने गीगाबाइट कंपनी के ही सिलेक्ट किए हैं। तो दिस इज B450M S2H, दिस इज़ अ फ्यूचर प्रूफ थिंग, फ्यूचर प्रूफ एज इन यू कैन अपग्रेड टू अ हायर वर्जन ऑफ प्रोसेसर एंड दिस हैज 2 RAM स्लॉट्स
So this costs you around 4,500 to 7,000 in offline market, whereas it costs you 5,737 on online. Second bit much higher than this is the B450M DS3H. DS3H थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है. Has more number of USB ports and other ports. Also this has 4 RAM slots. इसका भी प्राइस is similar as the S2H series, that is 4,500 to 7,000, and on online it costs around 6,609, that is 6,609 to 7,630. तो ये है आपका ऑनलाइन कॉस्ट. द नेक्स्ट आई हैव कवर्ड इज द SMPS. SMPS इज द पावर सप्लाई. इन दिस केस द पावर सप्लाई आई एम प्रेफरिंग इज अ 450 वॉट्स ऑफ पावर सप्लाई. प्रैक्टिकल मार्केट एंड ऑनलाइन कॉस्ट के हिसाब से अगर देखें तो ब्रांडेड भी आता है, रेगुलर भी आता है. आप अगर ब्रांडेड में लेते हो तो उसका फ़ायदा ये दे टेक अ लोड. सो कॉर्सर कंपनी ये जो है इसका SMPS इट कॉस्ट अराउंड 3,000 इन द प्रैक्टिकल मार्केट, whereas it costs 3,599 in the online market. The price goes up to 3,699. Second is the Antec. अब market cost आप देखने जाओगे, it costs you around 2,400. The online cost goes from 2,150. It goes up to 3,490. So this is your range. And अगर आप regular लेते हो तो 450 watts का power supply you just get it for 500 rupees. So इतना difference है. तो 500 आप अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो इट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर 585. अब देखेंगे हम लोग मेमोरी डिवाइस. मैं बेसिकली दो चीज़ें चूज करता हूँ, तो हार्ड डिस्क है एंड सेकेंड इज M2. M.2 इज वे 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 मच फास्टर देन नॉर्मल हार्ड डिस्क और SSD. डिस्क में आप देखोगे 500 GB आप अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क देखते हो तो इट कॉस्ट यू अराउंड इन द प्रैक्टिकल मार्केट समवेयर अराउंड 1300 to 1500 और सो. एंड आप अगर ऑनलाइन देखने जाते हो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 189 एंड दैट इज 1900 टू इट गोज अप टू 3100 और सो. आप अगर नॉर्मल SSD देखते हो सो SSD का कॉस्ट ज़्यादा होता है हार्ड डिस्क से. तो SSD इज 240 GB आप अगर लेने जाते हो सो इट कॉस्ट यू अराउंड नॉर्मल मार्केट में आपको मिलेगा 2500. एंड आप अगर ऑनलाइन मार्केट में देखते हो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 और सो. SSD 480 GB आप देखोगे कॉस्ट यू अराउंड 4650, whereas फॉर द 480 GB वेरियंट इट कॉस्ट फ्रॉम 4145 इन द ऑनलाइन मार्केट. अब M2 250 GB आपने तो देखा होगा पिछले वीडियो में, उसमें मैंने प्राइसिंग बताई हुई है. ऑनलाइन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2725. कीबोर्ड माउस कॉम्बो वायर्ड. सो बेसिक आप अगर सबसे लोएस्ट कॉस्ट देखने जाओगे इन द प्रैक्टिकल मार्केट इट इज़ फ्रॉम 300 to 850 rupees. एंड इफ यू गो इन द ऑनलाइन मार्केट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 469. मोनीटर. सो मोनीटर आई एम प्रेफरिंग हियर एंड 18.5 inch मोनीटर. सो इट इज़ नॉट टू स्मॉल नॉट टू मच. मोनीटर के हिसाब से ठीक है. आपको 18.5 inch मोनीटर प्रैक्टिकल मार्केट में आप देखोगे इट कॉस्ट यू अराउंड 3,300 to 4,900 एंड सो. वेर ऑनलाइन मार्केट है इट कॉस्ट यू अराउंड 4,400 स्टार्टिंग अप टू 7,800. रैम उनके भी वेरियंट्स होते हैं, एज इन रैम का भी स्पीड होता है जस्ट प्रोसेसर. इट इज़ इन मेगा हर्ट्स. तो उसके भी डिफरेंट वर्जन्स है. इट कम्स फ्रॉम DDR1, DDR2, 3, 4, 5. दिस केस मदरबोर्ड के हिसाब से आपको लेना होता है रैम. तो जो आपका मदरबोर्ड जितना सपोर्ट करेगा आपको उतना होगा. इस केस में मैं सिर्फ एक सिंगल रैम सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ 8 GB रैम. अब इसमें आप देखोगे इसमें मैंने 3 अलग अलग ब्रांड सिलेक्ट किए हैं, कॉर्सर, हाइपर एक्स एंड एक्स. ई डेटा का है मॉडल XPG D30. अब आप प्रैक्टिकल मार्केट में देखने जाओगे कॉर्सर कॉस्ट अराउंड 2,900, हाइपर एक्स कॉस्ट अराउंड 3,000 एंड XPG D30 डेटा कॉस्ट अराउंड 2,450. प्राइसिंग आप ऑनलाइन देखोगे तो कॉर्सर का कॉस्ट 3,849 एंड टू रेंज ऑफ 5,100. हाइपर एक्स देखोगे तो इट कॉस्ट यू अराउंड 4,300 ऑन अमेजॉन, whereas A data costs you around 3,450 to 3,900. ग्राफिक्स कार्ड. अब ग्राफिक्स कार्ड के बहुत वेरियंट्स आते हैं, 2 GB, 4 GB एंड सो ऐसा. कंपनी टू कंपनी उसका कूलिंग वेरियंट, उसका प्रोसेसिंग, उसके ऊपर आपके प्राइस चेंज होते हैं.
तो यहाँ बेस पूछा था, तो दैट वॉज एनवीडिया कंपनी का 710 मॉडल दैट हैज 2 GB ऑफ मेमोरी। अब इसका प्राइस प्रैक्टिकल मार्केट में 3000 एंड ऑनलाइन देखने जाओगे इट कॉस्ट अराउंड 3145 टू 4550। लास्ट थिंग इज द कैबिनेट, फैंसी टाइप मुझे चीज़ें पसंद है, हल्की सी। आई एम प्रेफरिंग अ ट्रांसपेरेंट पैनल कैबिनेट, तो दिखने में फैंसी छोटे होते हैं एंड एक साइड से फुल ट्रांसपेरेंट, मतलब आपके सिस्टम के अंदर क्या है आप देख सकते हो। प्रेफर छोटा हो तो भी अच्छा है एंड बड़ा हो तो भी अच्छा, लेकिन आपके स्पेस में फिट होना चाहिए एंड ऑल्सो ऑन योर पॉकेट्स। तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, आप अगर प्रैक्टिकल मार्केट में देखो आपको 1500 से वैसे मिलेंगे, तो बेसिक कैबिनेट से थोड़ा प्राइस इनका ज़्यादा होता है। अब आप अगर ऑनलाइन देखने जाते हो तो इट कॉस्ट यू अराउंड 2882 स्टार्टिंग है। कुछ केसेस में फैंस मिलते हैं, फैंस भी कैसे, उसमें भी आपको LED मिल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट नॉर्मल फैंस यू कैन गेट नॉर्मल फैंस, इफ़ यू वांट LED फैंस यू कैन गेट LED। तो मैं जो मॉडल देख रहा था बेसिक, तो उसमें LED फैंस है। ये जो ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो उसमें बस LED स्ट्रिप है एंड इट डजंट हैव एनी फैंस। या वेल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ये कंप्यूटर के बारे में, द प्राइसिंग एंड द पार्ट्स इन द ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन मार्केट। इफ़ यू डू सो गिव अ थम्स अप, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।